हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, चैप्टर 8.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ कंप्यूटर लैब, किसी कंप्यूटर लैब में देर आर थ्री कंप्यूटर्स फॉर एवरी सिक्स स्टूडेंट, छह बच्चों के लिए तीन कंप्यूटर है, ठीक। फिर पूछा है हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, मतलब छह बच्चों के लिए तीन कंप्यूटर लग रहा है तो 24 बच्चों के लिए कितना कंप्यूटर लगेगा, हाउ मेनी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लगाते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग सिक्स स्टूडेंट नीड्स, सिक्स स्टूडेंट नीड हाउ मेनी कंप्यूटर, थ्री कंप्यूटर। देन वन स्टूडेंट नीड थ्री अपॉन सिक्स कंप्यूटर, बिकॉज यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर 24 स्टूडेंट नीड थ्री अपॉन सिक्स इंटू 24। ये हम बताते इसलिए चले जा रहे हैं, अभी आपको हम समझाएंगे भी इसको, ठीक है। उसके पहले एक मेथड आपको बताएंगे, यूनिटरी मेथड, उसके हिसाब से। तो सिक्स से ये कटेगा कितनी बार, 24, सिक्स फोर जै 24 और फोर थ्री जै 12, यानी आंसर क्या है आपका, 12 कंप्यूटर, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, अब इसमें आपको दो तीन चीज़ समझाना है। जैसे हमने यहाँ पर वन स्टूडेंट का क्यों निकाला ना, सिक्स स्टूडेंट का अगर तीन कंप्यूटर लग रहा है तो हमने वन का क्यों निकाला, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमने कंप्यूटर को ही इस तरफ क्यों रखा, हमने स्टूडेंट को उस तरफ क्यों नहीं रखा, ये चीज़ें आप समझिए। जैसे इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो आपको बताने चल रहे हैं उसका इसमें यूज हुआ है। जैसे समझिए एग्जांपल के लिए, जैसे मैं आपको एक पेन दिखाऊं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ये पांच पेन अगर मैं लेने जाऊं तो कितने की मिलेगी, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पहले एक का तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको एक का पता रहेगा तब तो आप पांच का बता पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब हमें ज़्यादा की बतानी हो, जैसे यहाँ पर 24 स्टूडेंट के लिए बताना था कितना कंप्यूटर लगेगा, तो पहले हमें एक का तो पता होना चाहिए ना, इसलिए हम एक का निकालते हैं, पहली चीज़। अब वो एक का निकलता कैसा है, वही हम आपको यूनिटी मेथड से बताएंगे, वो समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फाइव पेन की कॉस्ट है 15 रुपीस, कितना रुपीस, 15 रुपीस, ठीक है। तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, तब आप कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे वन पेन की कॉस्ट 15/5। ये चीज़ अब ध्यान रखना जो बता रहे हैं आपको, यहाँ तीन चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़ ये कि कभी भी अगर एक का निकालना हो, कुछ भी ज़्यादा का दिया रहे, एक का निकालना हो, तो हम करेंगे बेटा डिवाइड, बस नहीं आ रही, ज़्यादा का दिया हो, एक का निकालना हो, तो हम नीचे इसको ले आकर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आ गया हमारा 3 रुपीज़, एक पेन का प्राइस कितना आ गया, 3 रुपीज़, पहली चीज़ ये हो। दूसरी चीज़ समझिए कि अब मैं आपसे पूछूं कि अगर वन पेन की कॉस्ट 3 रुपीज़ है एक पेन का, तो 5 पेन का कितना होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और आपका कितना आ गया, 15 रुपीज़। तो यहां से क्या समझ आया कि अगर कभी भी कोई चीज एक की पता हो, एक की पता हो और एक से ज्यादा की बतानी हो, तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कोई चीज़ ज़्यादा की पता हो, एक का पता करना अगर पड़े तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, एक का पता हो ज़्यादा का करना पड़े तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना। तीसरी चीज़ क्या है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या निकालना था, कंप्यूटर हाउ मेनी
कंप्यूटर पूछ रहा था ना, जो चीज हमसे पूछता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। जैसे इक्वल टू का एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। तो जो चीज हमसे पूछेगा, यहाँ हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर, हाउ मेनी कंप्यूटर, तो इसलिए जो भी पूछेगा उसको हम कहाँ रखेंगे, राइट साइड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं रखेंगे। ऐसा मत कर देना कि 3 computer for 6 students, अगर ऐसे लिख दोगे 3 computer for 6 students, अगर आप ऐसा कर दिए तब आप ऐसा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कंप्यूटर आपसे। तो जो भी पूछेगा उसको हम राइट साइड पर लिखेंगे, एक चीज ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये 3 बातें आपको याद ध्यान रखना है। अब इसको हम आपको इसमें थोड़ा बताते हैं कि कैसे हमने इसमें यूज किया है। तो पहली चीज, हमें 24 students का पूछ रहा था ना, तो हमें एक का पता होना चाहिए। तो एक का पता करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड किया, देखो 6 students का 3 था, तो हमने एक का कैसे पता किया, 6 को यहाँ नीचे ला के डिवाइड कर दिया, तो एक का पता चल गया। जब एक का पता चल गया तो 24 का पता करना है, तो 24 का पता करना है, एक का पता है, ज्यादा का पता करना है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 24 से ही। जैसे हम 5 से हमने मल्टीप्लाई किया था 3 में, वैसे यहाँ हमने 24 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब फ्रैक्शन था इसलिए हमने काट कर यहाँ पर आंसर ला दिया हमको, ठीक है, 12 कंप्यूटर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हमें एक तरीके से हम लगा सकते हैं, देखो सेकंड मेथड देखिए, इसको हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अगर हम रेशियो बना लें कंप्यूटर और स्टूडेंट का, रेशियो में अपॉन ही होता है, ठीक है, बटे अपॉन। कंप्यूटर और स्टूडेंट का रेशियो क्या बनेगा बताओ, कंप्यूटर चाहिए 3 कितने बच्चों के लिए, 6 ना, तो 3:6 इसका रेशियो बन गया। अब रेशियो 3:6 नहीं है, रेशियो तो हमारा शॉर्ट टर्म में लाने पर होता है, इसको हम काट कर क्या लिखेंगे, 1/2, ये बन गया हमारा रेशियो, ठीक है। अब इसी में आगे हो क्या रहा है, ये देखो स्टूडेंट हो जा रहे हैं 24, यही सब चल रहा है, ऊपर वाला कंप्यूटर है, नीचे वाला स्टूडेंट है। स्टूडेंट हमारा कितना हो गया 24, तो कंप्यूटर कितना हो जाएगा, देखो रेशियो था 1:2, 2 से बन गया 24, यानी किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 12 से ना। अगर नीचे 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 12 से ही मल्टीप्लाई होगा, देखो 12 से 24 नीचे हो गया स्टूडेंट, तो ऊपर भी 12 से होगा, 12 बन जाए 12, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर हमारा कितना आ गया 12। रेशियो के मेथड से भी हम इसको लगा सकते हैं, तो चाहे इस तरीके से लगे चाहे इस तरीके से लगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये यूनिट के मेथड आप लोग ध्यान रखना, ठीक, बहुत ध्यान से, बस आगे मिलेगा हमको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।